एसी भी होती है, उसमें कौन सी सेफ्टी होती है? आजकल ना ये सबसे काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी रिले उसमें लगती है, तो आप मुझे बताइए उसमें कौन सी सेफ्टियां लगती हैं और उनके क्या क्या काम होते हैं, कैसे कैसे वर्क करती हैं वो। सर हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं सोमनाथ कर्माकर जी। ये आपको एसीबी के बारे में बताएंगे। ही इज़ द एक्सपर्ट इन एयर सर्किट ब्रेकर। ये एलटी के बारे में इनको बहुत अच्छा पता है, तो आज हमें ये एसीबी के बारे में बताएंगे। एयर सर्किट ब्रेकर क्या होता है, तो उससे रिलेटेड हम इनसे कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपको अपने इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो सोमनाथ जी बताइए थोड़ा सा अपने बारे में, थोड़ा अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। ओके सर, गुड इवनिंग सर। सर मेरा नाम है सोमनाथ और मैं सर एसीबी में काम किया हूँ, करीब 3-4 साल काम किया हूँ। और एलएनटी सर्विस सेंटर में लक्ष्मी नगर में मेरा ऑफिस था उस टाइम, तो काफ़ी जगह पे मैंने सर्विसिंग करके आया हूँ। उसके बारे में मुझे नॉलेज है एसीबी के बारे में। तो एसीबी क्या होती है, कहाँ लगाते हैं और इसके बारे में थोड़ा बताइए। एसीबी क्या होती है? सर एसीबी होता है सर एयर सर्किट ब्रेकर। ये सर टू टाइप का होता है, एक सर ईडीओ और सेकंड सर दूसरा नंबर है एमडीओ। और ईडीओ और एमडीओ में ऐसा बहुत सारी डिफरेंस है। एक तो ईडीओ क्या होता है? ईडीओ का फुल फॉर्म क्या हो गया? सर ईडीओ का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक ड्रॉ आउट और एमडीओ का फुल फॉर्म है मैनुअल ड्रॉ आउट। ठीक है सर। और एसीबी का जो सर टाइप है, मिनिमम सर 800 एम्पियर से शुरुआत है और 6,300 एम्पियर तक एंड है इसमें। 800 एम्पीयर से स्टार्ट होती है और 6,300 एम्पीयर तक रहती जी है। सर, रीडिंग आ उसको जो आता है तो इसमें जो हमारी ये ईडीओ और एमडीओ है उनमें क्या डिफरेंस रहे दोनों में? सर ईडीओ में सर वो एक्चुअली सर वो इलेक्ट्रिकल से है, वो ऑटोमेटिक मतलब वो सेंस करेगा, जैसे वो टीएनसी के थ्रू हो या ऑन, जो टीएनसी के थ्रू ऑन या पुश बटन के थ्रू ऑन सर, उसको मतलब ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग में ऑन कर सकता हूँ। जैसे पीएलसी भी काम आता है ना सर, उस टाइम पीएलसी का काम वो ईडीओ ब्रेकर में काम आता है। और एमडीओ में नॉर्मली ऑन ऑफ मैनुअल ऑन ऑफ होता है। ओके। तो इसमें जो हमारा है जो नॉर्मल हमारा ईडीओ होता है ब्रेकर, सॉरी एमडीयू जो है मैनुअल ड्रॉआउट ब्रेकर है, उसमें क्या क्या होती है? मतलब वो बेसिक खाली ब्रेकर होता है, उसमें चार्जिंग मोटर और सेफ्टी वगैरह उसके अंदर होती है, नहीं होती है, जी कैसे? सर, उसका अंदर भी सेफ्टी होता है सर, उसमें भी रिले लगता है और उसमें भी यूवी भी लगता है और संड भी लगता है। ठीक है सर, मगर उसमें क्लोजिंग कॉइल एक रिले होता है वो नहीं लगता है, और जिसमें ईडीओ में उसमें ऐड होता है क्लोजिंग कॉइल, जिसका थ्रू टीएनसी के थ्रू ऑन करने के लिए काम करता है। जो हमारी एसीबी होती है उसमें कौन सी सेफ्टी होती है? आजकल ना ये सबसे काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी रिले उसमें लगती है, तो आप मुझे बताइए उसमें कौन सी सेफ्टियां लगती हैं और उनके क्या क्या काम होते हैं, कैसे कैसे वर्क करती हैं वो। सर उसका जो एसीबी का अंदर सर सेफ्टी मेन है सर 100 वोल्टेज शंट, उसके बाद सर ओवरलोड के रिले, ग्राउंड फॉल्ट और इंटरटेनियंस एक नया सिस्टम में आया हो वो भी सेफ्टी के लिए काम होता है। तो एसीबी के अंदर जो रिले लगती हैं कि शंट रिले, क्लोजिंग रिले और यूवी रिले, ये तीनों रिले का क्या काम होता है, कैसे तीनों वर्क करती यस हैं? सर। ये सर क्लोजिंग तो सर ओनली सर उसको क्लोज करने के लिए काम आ जाता है, इलेक्ट्रिकल क्लोज करने के लिए। जैसे जैसे पीएलसी से अगर थ्रू कमांड मिलेगा तो वो पीएलसी के थ्रू ऑन कर देगा एसीबी को। और जो अंडर वोल्टेज है इसको सर अंडर वोल्टेज का एक्चुअली सर कंट्रोलिंग का थ्रू उसको मतलब सेफ्टी का थ्रू ऑन होता है। और दूसरा जो संट है वो भी एक सर नहीं, कंट्रोलिंग। जो यूवी रिले है अपनी जी वो ठीक है हमारी सेफ्टी के थ्रू ऑन होती है, बट वो वर्किंग कैसे, जैसे कम वोल्टेज होने पे ट्रिप मारती है, कैसे बंद करेगी या किसको कमांड देगी? जैसे यूवी है वो सर डायरेक्ट ठीक, यूवी सर जो रिले है टू टाइप का रिले होता है, एक सर 220 वोल्ट की होता है और सर 415 की, क्योंकि सर इसमें जो कंट्रोलिंग है ना सर उसी हिसाब से यूवी में उसको लगाया जाता है। 220 वोल्ट में भी अंडर वोल्टेज आता है और 415 वोल्ट कॉइल में भी अंडर वोल्ट आता है। तो सर मान लीजिए एसीबी को जैसे हमें ऑन रखना है,
24 आवर्स या 1 घंटे या 2 घंटा ऑन करना है, तो हमें यूवी में कमांड देना है। जैसे यूवी को कमांड मिल गया तो हम क्लोजिंग कॉइल को कमांड दे के कॉइल के थ्रू उसको एसीबी ऑन रहता हूँ। ये पहले तुम्हारे और उसमें जो सेफ्टी है, मान लीजिए सर, जैसे मान लीजिए 220 वोल्ट का अंडर वोल्टेज लगा हुआ है, तो इसमें अगर हाई वोल्टेज भी आएगा, क्योंकि 220 वोल्ट में वो मतलब ऑन नहीं होगा, उससे ऊपर जैसे जाएगा तो ट्रिप कर देगा इसमें, या लो वोल्टेज में भी वो ट्रिप करेगा, उसको एक्यूरेट वोल्टेज होना चाहिए जो भी है 220 या 415। मेरी यूवी खराब हो गई है तो क्या करूंगा उस कंडीशन में, कैसे उसको बाईपास करेंगे, कैसे सर? यूवी अगर आपको खराब हो गया तो सर यूवी को बाईपास तो नॉर्मल हिसाब से होता है, क्योंकि यूवी में जो लीवर होता है, लीवर को थोड़ा सा फिंगर्स में पेस करके और उसमें थोड़ा सा पेपर को जाम करने के बाद यूवी मतलब उसमें बाईपास होने के बाद ब्रेकर ऑन हो जाएगा सर। जैसे यूवी है, यूवी रिले हमें बाहर निकालनी पड़ेगी उसके लिए, या उसी में कागज डाल नहीं सकते? नहीं नहीं सर, उसी में फिक्स रहेगा, मतलब खोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। बस उसको जैसे कोई कॉयल है, कोई कॉयल को अगर सर कमांड मिलता है तो वो पिकअप करता है अपने तरफ, तो उसी को मैनुअली पेपर से उसको पिकअप रखना है, पेपर से या कुछ भी लगा के उसका जो लीवर है उसको दबाना पड़ेगा, उसको लीवर को प्रेस करके रखना है, जैसे प्रेस में हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा तो ब्रेकर ऑन हो जाएगा। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि यूवी है कौन से लीवर को दबा रही है, और उस लीवर को हमें किसी भी चीज से दबा के रखना पड़ेगा। जी 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 सर। और फिर हमारी वो डायरेक्ट हो जाएगी। ओके ओके। उसमें से और एक है, उसमें आपको और एक चीज देखना है, जैसे आपने पेपर तो हमने रख दिया, मान लीजिए आपका ट्रांसफॉर्मर का जो मेन ब्रेकर है आपने उसको यूवी बाईपास करके चला रहे हो, तो इसमें है जैसे पावर फेल होगा सर, उसी टाइम क्या हुआ सर, पावर फेल का टाइम उस ब्रेकर ट्रिप नहीं करेगा, क्योंकि सर अंडर वोल्टेज बाईपास है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। जो जैसे आपको डीजी चलाना है तो उसी हिसाब से आपको मैनुअल ट्रिप मैनुअल बंद करनी पड़ेगी, बंद करना यस सर, मैनुअल बंद करना पड़ेगा, उसके बहुत सेफ्टी मतलब। इंटरलॉकिंग जो करते हैं हम पैनल को, कितनी तरह की इंटरलॉकिंग होती है सर? इंटरलॉकिंग सर मतलब इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग सर होता है, और दूसरा सर एक मैनुअली इंटरलॉकिंग होता है सर, मैकेनिकल मैकेनिकल। तो सर इंटरलॉकिंग सर, मान लीजिए हमारा ब्रेकर ऑन है, पहले हम सर मैकेनिकल इंटरलॉकिंग बात कर लेता हूँ। मान लीजिए हमारा ब्रेकर ऑन है और हमें पता नहीं है जो इसमें ब्रेकर ऑन है, हमने ध्यान नहीं दिया, हमने इस ब्रेकर को रैक आउट कर रहा हूँ, बाहर का तरफ बाहर निकल रहा हूँ, वो उसी ब्रेकर में ऑन लोड चल रहा है, लोड चल रहा है मान लीजिए, तो उसी टाइम हमारा जो मैकेनिकल जो भी कॉइल होता है, जैसे मान लीजिए एक ब्रेकर का नीचे के साइड में कोई एक ट्रिपिंग कॉइल बोला जाता है उसमें, उसको थ्रू कोई लीवर है, लीवर का साथ सेटिंग है, जैसे बाहर का तरफ वो आएगा तो किसी जगह पर, जैसे बाहर का तरफ आएगा तो किसी जगह पर प्रेस होकर लीवर ऊपर का तरफ चला जाएगा और ब्रेकर मैनुअली ट्रिप हो जाएगा। एनओएनसू की तरह कोई कॉइल उसके अंदर दी जाती है कि जैसे उसके साथ पुश होगा वो उसको ट्रिप करा देगी? एनओएनसी का थ्रू तो नहीं है सर, वो स्विच दिया जाता है सर, कुछ स्विच पुश होने वाला स्विच देते हैं, स्विच सर देता तो है एनओएनसी का थ्रू, मगर सर वो एनओएनसी का थ्रू जब भी इलेक्ट्रिकल हमें मतलब उसको ट्रिपिंग करना है तभी सर एनओएनसी के थ्रू उसको ट्रिपिंग कर सकता। इलेक्ट्रिकल में कैसे, मतलब कौन सी को कमांड देते हैं? अगर सपोज मैं इंटरलॉकिंग कर रहा हूँ अपने ब्रेकर को, तो कौन सी वाली रिले को कमांड जाएगी उसको ट्रिप कराने की? सर ये ट्रिप करने के लिए सर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, मान लीजिए सर हमारा पास 2 ट्रांसफार्मर है और एक बीच में बस कपूलर लगा हुआ है, ठीक है, दोनों ट्रांसफार्मर एसीबी ऑन है, और मान लीजिए हमें पता नहीं है जो दोनों ट्रांसफार्मर ऑन है और बीच में बस कपूलर लगा हुआ, बस कपूलर उस टाइम ऑफ पोजिशन में रहेगा। अगर मान लीजिए मुझे पता नहीं है, मुझे और भी बस कपूलर को भी ऑन करने जा रहा हूँ, तो हमें जैसे बस कपूलर में ऑन करने जाऊँगा इसमें से और एक थ्रू होगा, जैसे बस कपूलर का थ्रू, बस कपूलर में जो कॉन्टेक्ट है वो उसमें एनसी में जो मतलब वायर जा रहा है ना, वो संट में कमांड चला जाएगा, जैसे ही एनसी संट में चला गया तो ब्रेकर को ट्रिप मार देगा, या 1 नंबर ट्रांसफार्मर मरेगा या 2 नंबर मरेगा। अभी अंडर वोल्ट का थ्रू कैसे होगा, जो हमारा बस कपूलर में मतलब कॉयल है उसको एनो में सप्लाई कर देगा, जैसे उसका मतलब अंडर वोल्टेज में जैसे ही सप्लाई उसमें कट सॉरी सप्लाई कट जाएगा तभी ट्रिप मार देगा। ओके तो मेनली संट का काम होता है ट्रिपिंग कराने का? जी संट का भी काम होता है सर, एक्चुअली सर अंडर वोल्टेज भी कंट्रोलिंग में आ जाता है, क्योंकि सर अंडर वोल्टेज का काम ऐसा है, उल्टा काम करता है, एक तो सर संट और अंडर वोल्टेज दोनों उल्टा काम करता है। जैसे एसीबी ऑन रखना है तो हमें अंडर वोल्टेज को
सप्लाई देना है तभी एसी भी ऑन रहेगा। उल्टा काम क्या कर रहा है, संट उल्टा काम कर रहा है, जैसे ही संट में कमांड जाएगा या कॉल सप्लाई जाएगा तो वो करा ट्रिप देंगे। करा देगा। ओके, तो यूवी होती है मतलब उसको ऑन करने के लिए यूवी चाहिए चाहिए, और ट्रिपिंग के लिए संट जाती है। जी जी क्लोजिंग कॉइल का क्या काम होता सर, है? क्लोजिंग कॉइल का काम ये होता है सर, क्लोजिंग कॉइल का थ्रू तो सर हम टीएनसी का थ्रू भी ऑन कर सकता हूँ या सर पीएलसी के थ्रू भी ऑन कर सकता हूँ। हमें सर ऑटो कमांड कर देना है तो उसी टाइम सर क्लोजिंग कॉइल का तो बहुत मतलब उस काम का करता है। जैसे हम टीएनसी के घुमा के ऑन करना है या हमें पीएलसी का थ्रू ऑन कराना है, उस टाइम सर उसको क्लोजिंग कॉइल ही काम करता है सर। एक तो सर ओके, मैनुअली सपोज सर सपोज क्लोजिंग कॉइल किसी की खराब हो जाए तो क्या दिक्कत आएगी उसकी वजह से? सर क्लोजिंग कॉइल अगर खराब हो जाएगा तो जैसे सर टीएनसी से ऑन नहीं होगा और एक पीएलसी से ऑटो में काम नहीं करेगा, उसको मैन्युअली हम चला सकते हो पुश बटन से, ऑन ऑफ पुश बटन से प्रेस करके उसमें ब्रेकर को ऑन कर सकता हूँ। यानी कि मेनली अगर हमारी किसी वजह से हमारा बीएमएस से या टीएनसी स्विच से काम नहीं कर रहा है तो ये लगेगा कि क्लोजिंग कॉइल में हमारे में प्रॉब्लम जी है। क्लोजिंग कॉइल हमारा प्रॉब्लम है तो हम क्लोजिंग ओके कॉइल को रिप्लेस करना है। ओके, संट में प्रॉब्लम है तो हमें कैसे पता लगेगा कि संट में प्रॉब्लम होने से क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, और हमें कैसे पता लगेगा? सर संट में अगर प्रॉब्लम है तो सर ब्रेकर सर वो मतलब ऑन ही नहीं रहेगा। मान लीजिए सर संट में संट को सर ब्रेकर को ऑन रखने के लिए संट को एनो सप्लाई चाहिए, अगर सर संट को एनसी में मिल जाएगा तो ब्रेकर तुरंत ट्रिप मरेगा, तो संट का ही काम है सर। ओके, तो जो एसीबी में और कौन से मेन पार्ट होते सर एसीबी हैं? में का बहुत सारी पार्ट होता है, जैसे सर एसीबी एक तो सर पूरा एक एसीबी में जैसे दोनों प्लेट होता है, एक राइट प्लेट एक लेफ्ट प्लेट। एक राइट प्लेट में सर जैसे मोटर फिक्स होता है, उसके बाद सर मैकेनिज्म पार्ट पूरा उनको फिट होता है, हैंडल उसमें लगता है, उसमें सर एक एनओएनसी कॉइल भी लगता है जिसमें मोटर को चार्जिंग होने के बाद कट ऑफ करने के लिए स्प्रिंग मेन स्प्रिंग को कट ऑफ करने के लिए, उसके बाद मेन शाफ्ट लगता है, उसके बाद सर SR18G का थ्रू जो मतलब उसमें अंडर वोल्टेज में जो कमांड मिलता है ट्रिपिंग या संट में जो कमांड मिलता है उसको भी उसमें जुड़ा जाता है। और सर काफ़ी इस तरफ से आइटम जैसे होता है आर्क शूट होता है उसका क्या काम होता सर। है? आर्क शूट का काम ये है सर, जैसे ब्रेकर हमारा मतलब एक साइड लोड पे रहेगा और हम ब्रेकर को ऑन करने जा रहा हूँ, जैसे हमें मूविंग और फिक्स कॉन्टैक्ट में जैसे जुड़ा जाएगा उस टाइम से फ्लैश होता है, फायर फ्लैश होता है जिसमें से आग चिंगारी निकलता है, जिसमें से हमें कंट्रोलिंग वायर को कोई मतलब लॉसेस ना हो इसी हिसाब से आर्क शूट को लगाया जाता है उसका ऊपर टॉप पे, जो उसको थोड़ा सा फायर को कम कर दे। ओके, वो जाली सी लगी थी जिससे यस डिस्ट्रीब्यूट हो हाँ जाता यस है। फायर को कम कर देता ओके, और कोई ऐसी चीज़ जो आप बताना चाहें एसीबी के बारे में, आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिससे ठीक ठीक किसी न सर किसी को ठीक कुछ ठीक ठीक सीखने को मिले? सर एसीबी में सर पॉल पॉल टाइप का होता है सर, 3 पॉल में आता है और 4 पॉल में आता है। जो सर 3 पॉल में आता है ये सर RYV फेस तीनों में काम होता है, और जो 4 पॉल में आता है ये RYV और न्यूट्रल का साथ जुड़ा जाता है, तो इसका मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस पैनल में यूज़ होता है। ऐसा कुछ है कि बस कपलर है वो 4 पोल का होगा या हमारा मेन ब्रेकर है वो 3 पोल का होगा, ऐसा कुछ होता है? सर एक्चुअली सर अगर मान लीजिए सर हमें 3 पोल का एसीबी यूज़ कर रहा हूँ उस टाइम तो सर हमें 3 पोल में जो RYB में जो सप्लाई आ रहा है हमें RYB को सप्लाई को ब्रेक करना है। आपने आपने तो सर ब्रेक तो कर दिया एसीबी बंद करके, मगर सर न्यूट्रन अभी भी डायरेक्ट चल रहा है, तो उसी जगह पे हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन होता है जो वहाँ पे कॉन्टेक्टर लगा जाता है जो उसी हिसाब से ब्रेकर का थ्रू उस, नॉर्मली शायद डीजी में ही लगाते हैं, हर जगह हर एक पैनल में लगता है ब्रेक अगर सर उस कॉन्टैक्टर। कॉन्टेक्टर सर उसमें लगेगा सर, क्योंकि सर एक्चुअली सर न्यूट्रॉन का भी ब्रेक करने के लिए तो सर लगाना चाहिए, वो तो सर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यार सर आप लगाइए तो बहुत अच्छा है, अगर 3 पोल का है तो एक कॉन्टेक्टर लगा दीजिए न्यूट्रॉन को ब्रेक करने के लिए, एक साथ मतलब सेम टाइम में ब्रेक हो जाएगा वो भी। जैसे एसीबी होती है उसकी कुछ कमांड होती हैं, जैसे मुझे कितने परसेंट पे चलानी है, कौन सा वाला फॉल्ट आए, कितना सेकंड में बंद होना चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बता दीजिए। सर इनके लिए तो सर जो एसीबी है इसमें तो सर एक टाइप का रिले आता है सर, जो रिले में सर इसमें सर 4 सेफ्टी दिया गया, एक तो सर ओवरलोड शॉर्ट सर्किट ग्राउंड फॉल्ट और इंटरटेनियस, ये 4ों सेफ्टी उसके साथ जुड़ा गया। मान लीजिए किसी जगह पे ओवरलोड चल रहा है, हमें हमारा जो ब्रेकर है मान लीजिए ये 1250 एम्पियर का ब्रेकर है, उसमें मान लीजिए लोड हमें हमारा पास 50% लोड रखना है, तो उसी हिसाब से हमारा वो मैनुअल सेटिंग
करना पड़ता है वो पेंसिल सेटिंग। रहती है उनको घुमा यस के। यस मैनुअल उसमें सेटिंग करना पड़ता है। इसमें टाइम जो टाइमर है उसमें भी सेटिंग और नॉर्मली उसको जो लोडिंग का हिसाब से सेटिंग करना पड़ता है। ये तो ओवरलोड है, शॉर्ट सर्किट में भी सेम उसी पोजीशन में रखना है और ग्राउंड फॉल्ट में नहीं, भी शॉर्ट सेम। सर्किट में क्या हम तो उसका तो टाइम देखते हैं ना उसमें, तो कि सर कितनी हाँ जी सेकंड जी में, सर कितनी सर मिली सेकंड में ओके ट्रिप ओके करना। ओके सर मान लीजिए कोई ब्रेकर 800 एम्पियर का ब्रेकर है, ठीक है सर। इसमें मान लीजिए हमें 50% में रखा हूँ, तो 50% मीनिंग्स हो गया इसमें 400 एम्पियर, ब्रेकर में 400 एम्पियर तक लोड आएगा। ओके सर, तो किसी जगह पे शॉर्ट सर्किट हुआ, मान लीजिए हमारा ब्रेकर में नहीं हुआ, आगे किसी पैनल में जाके शॉर्ट सर्किट हुआ, तो उसको मैंने हमने 6 पे सेटिंग करके रखा। मतलब 6 मीनिंग्स जो ब्रेकर हमने सेटिंग करके रखा है उसको 6 गुना हमने सेटिंग करके रखा है, तो हमारा पास उसको आगे भी कोई ईएल से भी या एमसी से भी इस टाइप का कुछ जुड़ा हुआ है, तो हमारा जो 600 एम्पियर में जो सेटिंग है 600 गुना 6 3600 एम्पियर, जब उस शॉर्ट सर्किट में जब 3600 एम्पियर लोड जाएगा तभी एसीबी को ट्रिप करेगा। अगर 3600 एम्पियर से कम मतलब शॉर्ट सर्किट में कम करंट हो रहा है तो कोई एमसीसीबी या ईएलसीबी को ट्रिप करेगा, एसीबी ट्रिप नहीं होगा। ठीक है, एक जनरल क्वेश्चन है। सपोज मेरा ब्रेकर है 1000 एम्पियर का, मैंने उसको 800 700 एम्पियर चल रहा है, मैंने 80% में उसको सेट किया हुआ है, यस तो कितने पे होना चाहिए? जैसे रिले की जो शॉर्ट सर्किट वाली सेटिंग है वो कितने पे होनी चाहिए? सर, इसको स्टैंडर्ड जो सेटिंग है ना सर, इसको जो टाइमर है सर, इसको सर 6 गुना ही रखता है, हर ब्रेकर में 6 गुना ही रखा जाता है ज़्यादा से मतलब ज़्यादा। छह गुना हाँ मतलब जो भी ब्रेकर में जो लोड चल रहा है उसको 6 गुना छह करंट। गुना रहे कितनी सेकंड के लिए, मतलब कितनी सेकंड के लिए ये सर आया? सेकेंड सर डिपेंड करता है सर, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये मिनिमम सर 1 मिली सेकेंड से 1 सेकेंड तक होता है ब्रेकर में। ओके, तो कितना रखते हैं कि भाई इतनी देर के लिए लोड आएगा तो भाई ट्रिप हो जाए? सपोज भाई हमारा, हमने बताया कि 800 एम्पियर का हमने लिखा है, तो तो मिनिमम सर आप इसमें सर 1 मिली सेकेंड से 1 सेकेंड रखने के लिए आप 0.8 मिली सेकेंड रख सकते हो, जो 1 सेकेंड से भी थोड़ा सा कम। हाँ ओके, तो 0.8 मतलब हाँ 5 6 7 स्टैंडर्ड है कि इतना क्योंकि सर रखें। आप जितना भी कम रखोगे, मान लीजिए 0.8 ना रख के आपने 0.3 पे रख दिया, तो क्या होगा सर, आपका जो ईएलसीबी जहाँ पे शॉर्ट सर्किट होगी ईएलसीबी ट्रिप करेगा, और इसमें 0.3 इसको भी टाइमिंग बहुत कम मिल गया तो हमारा एसीबी भी ट्रिप मार गया। मतलब हमें एसीबी को ट्रिप नहीं कराना है क्योंकि हमारा एसीबी का थ्रू काफ़ी जगह सर्किट चल रहा है, जहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ वहाँ पे कमांड मिल गया तो उसको पहले ट्रिप होना ही जरूरी है। ऐसा नहीं है जो एसीबी में ट्रिप हो गया बाकी सिस्टम भी बंद हो जाए, ऐसा नहीं। इसलिए उसको थोड़ा सा टाइमिंग 0.8 मिली सेकेंड में रखा गया। तो कई बार क्या होता है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि हमारा कई बार एसीबी ट्रिप मार जाता है, पीछे मेरा जो एमसीसीबी या जो और ब्रेकर है वो नहीं मारता, तो उसका क्या सर रीज़न ये होता है? रीजन यही है ना सर, आपने सर टाइमिंग इसका बहुत कम करके रखा है क्योंकि सर कमांड पहले एसीबी को, क्योंकि इसमें जो रिले है ये बहुत अच्छा काम करता है, इसको सेंसर ज्यादा अच्छा इन है। इनकी कमांड कहाँ से मिलती है, मतलब सीटीपीटी से मिलती यस है? सर, इसका जो कमांड है सर सीटी सेंस करता है, जो ओके, सर करंट ट्रांसफार्मर जिसको बोला जाता है, ये करंट ट्रांसफार्मर इसको कहाँ सेंस मतलब करता है। एक तो पीछे लगा रहता है, बस बार में लगा रहता है या एसीबी के अंदर नहीं भी नहीं लगाएगा? सर, एक्चुअली सर ये जो सीटी है ना सर, सीटी एक सर कॉम्पैक्ट में आता है एसीबी का साथ। ये सर इनकमिंग साइड में भी लगता है, मान लीजिए ब्रेकर को इनकमिंग दो, एक इनकमिंग एक आउटगोइंग, कोई कोई सर वो इनकमिंग साइड में भी लगा रहता है सीटी, किसी ब्रेकर में आउटगोइंग साइड पे भी लगा मतलब रहता दोनों है। में भी मैं दो लगेगा। टाइप का बता रहा हूँ, जो हमारा एलएनटी का जो सी पावर है ये ज़्यादा से ज़्यादा आउटगोइंग साइड में लगा के रखता है, मतलब ऊपर का साइड। ये तो सर वो कंपनी का जो मतलब मैन्युफैक्चर है, जैसे बस बार है उसी हिसाब से तो अलग बात है ये इनकमिंग ऊपर से लिया जाएगा या नीचे से, मगर सी पावर का जो भी ब्रेकर है सभी ऊपर का टाइप सीटी रखा है, और जो यू पावर है एलएनटी यू पावर ये सारी सीटी नीचे लगा के रखा है। चलो, आज हमने काफ़ी कुछ सीखा इनसे, और हम अगली वीडियो में जो हमने अभी बात की कि एसीबी का लोड हम कैसे कम कर सकते हैं, उसकी सेटिंग कैसे बढ़ा सकते हैं, तो हम एसीबी के ऊपर जाके उसको, ये हमें उसके बारे में अच्छी तरह बताएंगे, और किसी रिले को कैसे बाईपास करना है, कैसे होगा वो भी हम सीखेंगे। तो आई होप कि आज हमने काफ़ी कुछ सीखा है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि
एक अच्छी नॉलेज ना बहुत बड़ी बहुत मुश्किल से मिलती है, और यहाँ पर सोमनाथ जी के द्वारा हमें वो एक अच्छी नॉलेज एक वीडियो के माध्यम से मिली है, जिसको आप कभी भी कहीं पे भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ में अगर आप जॉब वगैरह देख रहे हैं, तो उसके लिए भी मैंने एक फेसबुक पे और एक टेलीग्राम पे मैंने दो ग्रुप बनाए हुए हैं, उसके लिंक भी आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, आप उसमें ज्वाइन होंगे तो आपको एक अच्छी नॉलेज और जो जॉब्स के अपडेट जो मेरे पास रहते हैं सर्कल में रहते हैं, तो वहाँ पर भी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर।